हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जहां मस्त मस्त गुजराती ऑप्शंस अवेलेबल होंगे खाने के। आज हम जा रहे हैं संगम स्वीट। इनकी ना बैंगलोर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं और रिसेंटली ये लोग अभी व्हाइटफील्ड में भी आ गए हैं, तो हमने सोचा आज यहाँ जाया जाए और यहाँ का खाना ट्राई किया जाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। सो लेट्स गो। रिसेंटली ना हमने एक और गुजराती प्लेस का ब्रेकफास्ट वीडियो बनाया था जो आप लोग को बहुत पसंद आया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे अभी चेक कर लीजिए, यहाँ पर ऊपर लिंक आ रहा होगा। हम पहुंच गए हैं संगम। ये ना व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में है, तो लोकेशन का ज़्यादा आलोचना है नहीं, सीधे सीधे रास्ता है। यहाँ आके ना हमें पता चला कि इनकी जो पहली ब्रांच थी वो बैंगलोर में 1964 में खुली थी और अभी इनके पास टोटल 10 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर बैंगलोर। ये स्वीट शॉप तो है ही है जहाँ आपको मिठाइयाँ और फरसान मिलेंगी, बट उसके साथ साथ इनके पास वैरायटी ऑफ कॉम्बो है, पराठा है, चाट्स है और गुजराती खाना है। आज मेनली हम यहाँ इनके गुजराती आइटम ट्राई करने के लिए आए हैं क्योंकि ये उसी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मैंने ना अपने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर किया था मानिक चौक स्पेशल ब्रेकफास्ट। इसमें ना ये थाली आती है जिसमें बहुत सारे गुजराती आइटम रहते हैं। उसमें है फाफड़ा, मटर वाली कचौड़ी, जलेबी, दो थेपले, ढोकला, कढ़ी, ये सांबारा मिर्ची के साथ और गुजराती पिकल। और पूरी मील को कंप्लीट करने के लिए ना उन्होंने चाय भी दी है, जो कोई भी इंडियन ब्रेकफास्ट हो बिना चाय के अधूरी होती है ना। आह, अच्छी बनाई है। इस मील की कॉस्ट है 150 रुपीस और ये सुबह 8 से 11 बजे तक मिलता है। दो तरीके के लोग होते हैं, समोसा लवर या कचौरी लवर। मैं ना समोसा लवर हूँ, लेकिन ये कचौड़ी खाने के बाद आहा, मेरे को फील हो रहा है कि कचौड़ी की भी अपनी ही बात होती है। कचौड़ी खाते ही जो सबसे पहली फील आ रही है ना, वो है मटर का स्वाद और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, भर भर के उसमें स्वाद आ रहा है सॉफ्ट का और हल्की सी मिठास है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसकी लेयर है ना वो काफ़ी कुरकुरी है और सिर्फ उतनी ही डाली गई है कि वो अंदर के मसाले को होल्ड कर सके। एक्स्ट्रा मैदा मैदा नहीं लग रहा है खाने में। कमाल की कचौड़ी है ये तो, और बिल्कुल ऑयली नहीं है। अब मैं खाऊंगी थेपला। मैंने बैंगलोर में ये पहली बार ही देखा है किसी रेस्टोरेंट में, वरना घर पर ही बनाना पड़ता है थेपला। जैसे नॉर्थ में अपने पराठे और अचार रहता है ना, वैसे ही गुजरात में थेपला रहता है। ये बस डिफरेंस किया है कि पराठे थोड़े से मोटे होते हैं, ये एकदम ही पतला होता है। बट पता है, जब हम लोग पराठे बनाते हैं और बहुत पतले बना देते हैं ना तो कड़क हो जाते हैं, ये बिल्कुल कड़क नहीं हो रहा है, काफ़ी सॉफ्ट है और ये गुजराती छुंदों के साथ कमाल जा रहा है। इसमें ना जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्वाद आ रहा है वो है अजवाइन का और मेथी का। बाइट लेते ही आपको समझ में आएगा कि इसमें ये दोनों आइटम है। हम लोग तो ये ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, बट ये इतनी वर्सेटाइल होती है ना कि आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में, लंच में मन कर रहा है तो लंच में भी खा लीजिए। बट कमाल बना है यार ये, जो एकदम कम मसालों के साथ जो स्वाद आता है ना सादगी का, वो खाते ही समझ में आ रहा है इसमें। मसाला है इसमें, मुझे लग रहा था मसाला नहीं डाला है। जब मैंने लास्ट टाइम भी गुजराती ब्रेकफास्ट का वीडियो बनाया था ना, तब आप लोग के साथ ये बोला था कि गुजरात के लोगों को बेसन को इस्तेमाल करना आता है, वो क्रैक कर चुके हैं इस चीज़ को कि बेसन को किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पर फाफड़ा भी बेसन का है और कढ़ी भी बेसन की है, दोनों बिल्कुल अलग, स्वादिष्ट। और सबसे अच्छी बात फाफड़े की कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसके अंदर, इतने हल्के बने हैं कि अब ये देखो मेरी प्लेट में, अगर इसमें ऑयल होता ना तो मेरी पेपर की प्लेट है उसमें आ जाता, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आया। क्रिस्पी बना है, अजवाइन का स्वाद है और वो जो हल्का सा ऊपर मसाला डलता है ना, उसका स्वाद आ रहा है इसमें, A1। जेठालाल हमेशा बोलता है कि फाफड़ा जलेबी खाना है, फटाफट से खा लेती हूँ। जलेबी का परफेक्ट शेप ना मैंने यहीं देखा है, देखिए
इसका जितना अच्छा शेप है ना उतना ही अच्छा स्वाद भी आ रहा है इसका, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट स्वाद आ रहा है इसमें केसर का और काफ़ी क्रिस्पी बनी है ये। इस प्लेट में ना जितनी डिशेज आई थी मैंने खा ली हैं और आपको बता भी दिए कैसी हैं ये, सिर्फ ढोकला बचा है तो वो भी खाया जाए। दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी है ये और रस भरा हुआ है, देखो आप काफ़ी अच्छी जाली नज़र आ रही है। खाती हूँ। ढोकला ना आजकल हर जगह मिल जाता है लेकिन हर जगह ना मुझे एक चीज़ कॉमन लगती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा मीठा बना देते हैं या तो उसमें बहुत ज़्यादा खटास होती है, ओवर पानी भरा होता है। इसमें ना एकदम सही मात्रा में खट्टी और मीठा स्वाद आ रहा है, कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा, तो जो ढोकला है ना वो अडिक्टिव हो रहा है खाने में, एक बार खाने के बाद मन कर रहा है और खाया जाए। निशु ने आपको दो लोगों के बारे में बताया, समोसे वाले और कचौड़ी वाले। अब मैं आपको दो लोगों के और बताता हूँ जिन्हें फाफड़ा सांभारा के साथ अच्छा लगता है और जिन्हें कढ़ी के साथ अच्छा लगता है। मुझे सांभारा के साथ फाफड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, निशु को कढ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि जब आप आए ना तो ये सांभारा के साथ फाफड़ा ज़रूर ट्राई करें। माणिक चौक की जो स्पेशल थाली थी वो तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उसके अलावा मैंने एक और आइटम लिया हुआ है, ये है सेव खमणी। ये 110 रुपए का है। तो खमन ढोकला जिस मटेरियल का है ना ये वैसा ही बनता है, बस इसको पोहे की तरह बनाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा पोमोग्रेनेट, थोड़ा सा सेव डाल के, नींबू डाल के। आइए टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसके साथ ग्रीन चटनी मिली है, मगर मैं ऐसे ही पहले टेस्ट करता हूँ। मैं पोहे का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ये बेसन के स्वाद इसमें हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, हींग का स्वाद आ रहा है, राई का स्वाद आ रहा है, राई मतलब मस्टर्ड उसका स्वाद आ रहा है, हल्का सा खट्टा और हल्का सा मीठा है। ऊपर से फ्रेशनेस के लिए इन लोगों ने हरी मिर्ची और धनिया डाल के दिया है। सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल चटनी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अडिक्टिव है ये। मैं आई तो थी यहाँ गुजराती खाना खाने के लिए, बट चाट देख के ना मेरा मन बहक गया। मैंने ना ऑर्डर करी है पालक पत्ता चाट, जिसके अंदर उन्होंने नीचे लगाई है पालक पत्ता, फिर उसके ऊपर उन्होंने डाला है आलू, लाल वाला चना, दही, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, और गार्निश के लिए उन्होंने हल्के हल्के सेब, अनार और ऊपर से गाजर और चुकंदर डाला है। ये मेरी बन गई प्लेट और अब मैं खाती हूँ। चाट जो है ना वो ना चटनियों का खेल है, और वो किस मात्रा में पड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाट में। इसमें ना सारी चटनियाँ सही मात्रा में पड़ी हैं और इवन दही उन्होंने ओवर क्राउडेड नहीं किया है मेरी पापड़ी चाट। सबसे बेस्ट थी इनकी मीठी वाली चटनी, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट चटनी है, खाते ही ना उसका स्वाद आ रहा है, प्रोमिनेंट स्वाद है। काफ़ी बैलेंस चाट बनाई है, नीचे से पत्तों का क्रिस्प आ रहा है, फिर आलू से उसमें मूशीपन और उसमें स्टार्च आ रहा है, और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ठंडा ठंडा दही, परफेक्ट चाट है। आज तो मॉर्निंग बन गई यार, लेकिन एक बात का खलल रह गया, इनकी जो स्वीट्स थी और कॉम्बोस थे वो बहुत ही अपीलिंग थे, लेकिन हम लोग वो ट्राई नहीं कर पाए। अब कितना खाते हम लोग। इनका जो मेन्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो जो फैमिली वाले हैं ना उनके लिए काफ़ी प्रेफरेबल जगह है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साफ है, सर्विस इनकी क्विक है, और वैरायटी होने के चक्कर में आप अपने मन का खा सकते हैं, आपका फैमिली मेम्बर्स अपने मन का। ये तो बहुत सही पॉइंट है। आज की पूरी मील में ना मेरा फेवरेट था वो मटर की कचौड़ी और थेपला। निशु तुम्हारा कैसा? कचौड़ी। हाँ। निशु को यूजुअली कचौड़ी इतनी अच्छी लगती नहीं है, आज बड़ी पसंद आई है, तो बनी बहुत अच्छी थी। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करिएगा, इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी फोर्स करिएगा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फोर्स वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है। बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ये भी एक गुजराती प्लेस का ब्रेकफास्ट, ये बूफे है गुजराती डिशेस का। ओ, बूफे बोल दिया मैंने, ऐसा ही है, लेकिन इसको अलग ऊपर सेव डाल के, और टमाटर जिनको समोसे ज्यादा पसंद होते हैं, और एक दोबारा बोलती हूँ,